For HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. So आज के वीडियो में revolution के जो great points है उसके regarding और साथ में revolution जो payment issues हो रहे उसके regarding भी आज के वीडियो में complete information provide करेंगे. कल मैंने आप लोगों को एक video बना के दिया था great points के ऊपर. काफी students का अभी भी confusion है. So try करेंगे आज उसके regarding complete information देने की और साथ में पेमेंट के भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने की. सो आप लोगों क्या करना, हर बार की तरह वीडियो में एंड तक बना. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो ग्रेट पॉइंट्स क्या होता है? ग्रेट पॉइंट्स का मीनिंग होता है आपके जो परसेंटेज होते हैं उसी को डिवाइडेड बाय 10 करके. परसेंटेज नॉर्मली हम लोग 100 में निकालते हैं और ग्रेट पॉइंट्स को 10 मार्क्स के ऊपर निकाला जाता है. सो जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी ज्यादातर पेपर्स में बैक है, सो बैक पेपर के जगह पे एफ लिखा हुआ है और ग्रेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा नहीं है. सो यूनिवर्सिटी का जो रिवॉल्यूशन के नोटिस है उस नोटिस वाइज 3.5 से लेके 5.6 के अंदर अगर आपके मार्क्स होंगे तभी जाके आप लोग उसके लिए अप्लाई कर पाओगे. सो 3.5 मतलब 35% और 5.6 मतलब 56%. जैसे 100 मार्क का एक पेपर है उसमें 30 मार्क का आपका इंटरनल है और 70 मार्क का आपका जो फाइनल एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम है. सो अगर उन 100 में आपको 35 से 56 के अंदर मार्क्स मिला है टोटल इंटरनल और आपका जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स है दोनों को प्लस करके अगर 35 से लेके 56 के अंदर आपके मार्क्स है तभी आप लोग एलिजिबल होंगे रिवॉल्यूशन के लिए. जैसे जिस पेपर में आपका बैक हुआ है, सपोज आपको इंटरनल में 30 में 20 मिला है और आपका जो फाइनल एग्जाम था उस फाइनल एग्जाम में आपको 70 में 20 या 22 मिला है तो आपका टोटल कितना हो रहा है 40 या 42 हो रहा है तो उस समय पे जाके आप एलिजिबल होंगे रिवॉल्यूशन के लिए. सो सिंपल वर्ड्स में जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे आप लोग का स्टूडेंट्स लॉग इन में शो करेगा आप लोग रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर पाओगे. अभी जब आप लोग अप्लाई करोगे तो एक इश्यू आपके सामने आएगा, पेमेंट इश्यू. सो ये यूनिवर्सिटी का जो भी पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है हर समय ये इश्यू होता है क्योंकि आप एडमिशन टाइम में भी आप लोग देखते हो, फॉर्म फिलअप के टाइम में भी आप लोग देखते हो. सो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं 72 आवर्स तक वेट करने की, लेकिन जो लास्ट डेट होता है वो लास्ट डेट या फिर उसके बाद जाके सारे पेमेंट को ज्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस कारण जितने भी पेमेंट्स होते हैं सारे पेमेंट्स होल्ड में रह जाते हैं और पे नाउ ऑप्शन फिर से शो होता है. सो अगर आप लोग एक बार पेमेंट करते हो और आपके बैंक अकाउंट से अगर डेबिट हो जाता है अमाउंट तो सेकंड टाइम आप लोग पेमेंट ट्राई मत करना, ठीक है? जब तक वो पेमेंट रिफंड नहीं होता है तब तक आप लोग पेमेंट को ट्राई मत करना. यूनिवर्सिटी टाइम आने पर उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर देंगे. कल से तो ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, पेमेंट भी कट हुआ था और जिस कारण उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. सो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे दूं क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करोगे. सो फर्दर ऐसे कुछ भी अपडेट्स आएंगे देन मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा. वीडियो अच्छा लगे से वीडियो को एक लाइक एंड फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनको भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले. बाकी कुछ डाउट होने से डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी है, सो मुझे फॉलो करके आप लोग डीएम कर सकते हो एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को याद करके ज्वाइन कर देना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो ऐसे आप डिस्टल स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहे, चल के साथ जुड़े रहे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.